हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो में अगेन मैं आपके साथ आंसर्स डिस्कस करूंगी जिसका क्वेश्चन मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था नॉर्मलाइजेशन पे। एंड अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज ऑलरेडी आवर फर्स्ट बैच इज गोइंग ऑन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फ्रॉम 15 जून। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल तक लेके जाना है एंड कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द 45 डेज क्रैश कोर्स। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो इन अगस्त आपका एग्जामिनेशन जरूर शेड्यूल हो जाएगा। तो हम इस पूरे क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं विथ क्विक रिविजन नोट्स एंड हम वीकेंड बेसिस पे आपको क्विजेस भी ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं एंड इफ यू विल गेट वन रेफरेंस देन वी कैन प्रोवाइड यू 1000 का डिस्काउंट। तो आप इस कोर्स के लिए जरूर सोचें एंड आपका अगर कोई भी डाउट होता है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज द क्वेश्चन बेसिक ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल आपको पूछा इन करेक्ट स्टेटमेंट। सो एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई ट्रू स्टेटमेंट? बिकॉज यहाँ पे बात की गई है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की एंड ईआरडी मॉडल में हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, यस अगेन हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। तो आपको पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट, तो ये दोनों ऑप्शन आपके हो गए रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। इसके बाद अगर हम ऑप्शन सी को पढ़ेंगे, इन अ रो ऑफ रिलेशन टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, तो ये कंडीशन है आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम रिलेशनल टेबल की बात करेंगे तो अगर हम किसी रो में इंसर्ट करेंगे वैल्यूज तो यहाँ पे आपका डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो इस तरीके के अवेलेबल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। नाउ अगर हम क्वेश्चन टू की बात करें, क्वेश्चन टू में आपको हाईएस्ट नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फाइंड आउट कैसे करेंगे? पहले आप क्लोजर निकालिए, फिर कैंडिडेट की निकालिए, इसके बेसिस पे आप प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालिए, फिर आप हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालोगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगी तो इस क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालने के लिए हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा क्लोजर निकालना है। तो क्लोजर आप कैसे निकालोगे? तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज को चेक करेंगे, जो आपको एट्रीब्यूट प्रेजेंट इस रिलेशन में नहीं है हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है? ए और सी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं ए और सी का क्लोजर निकालूंगी तो ए और सी से ए सी मिलेगा एंड साथ में आप चेक करो क्या क्या मिलेगा। तो ए सी से बी ई मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई एंड इसके बाद अगर हम देखें बी सी से हमें डी मिल रहा है तो वी कैन गेट डी। इट मीन्स वी आर गेटिंग ऑल द रिलेशन एट्रीब्यूट्स, तो वी कैन से हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा ए सी। अगर कैंडिडेट की ए सी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम बी सी एन एफ से चेक करना शुरू करेंगे। तो बी सी एन एफ में आपके सारे लेफ्ट हैंड साइड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होना चाहिए? सुपर की। तो ये आपका सुपर की नहीं है, तो बिकॉज की पहला ही सुपर की नहीं है तो हम यहाँ पे आगे चेक नहीं करेंगे। अगर हम थ्री एन एफ की बात करें, थ्री एन एफ क्या बोलेगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, अदरवाइज राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ आपका जो ये रिलेशन गिवन है ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। सो व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट? अगर आपको कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए जहाँ पे इन डिटेल इन डेप्थ हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर मैं टू एन एफ की बात करूँ तो टू एन एफ क्या बोलता है? कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पहले रिलेशन को देखूँ यहाँ पे तो पार्शियल डिपेंडेंसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए सी हमारा कैंडिडेट की है तो पहला फंक्शन डिपेंडेंसी हमारा होल्ड करेगा। दूसरे की बात करें तो ए सी इज द की, अगेन ये होल्ड करेगा। अगर तीसरे की बात करें तो बी टेंस टू ई, अगेन यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी का केस नहीं है तो अगेन दिस इज इन द टू एन एफ। तो इस तरीके हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आपका गिवन क्वेश्चन था वो टू एन एफ में है। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपने जहाँ पे भी इसके आंसर्स लिखे हैं अपने नोट्स को मैच करिए एंड आपके आउट ऑफ 7 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। सो दैट अगर आपने वहाँ पे जवाब दिया तो आई विल गिव यू अगेन अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन इन अनदर सब्जेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तो ये आपको अगेन हाईएस्ट फॉर्म में निकालना है। तो ये मैं आपके लिए असाइनमेंट रख रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करें बिकॉज
प्रोसीजर इज द सेम, आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगेन दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम गेट, तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको यहाँ पे की फाइंड आउट करना है। की का मीनिंग है कि अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा है तो आप कैंडिडेट की फाइंड आउट करोगे। तो अगर आप सारे फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करेंगे तो वी विल केम टू नो कि आपको यहाँ पे जी मिल रहा है, ओके जी के पास तक हम जा सकते हैं। आईजे की बात करें, आईजे वी कैन गेट, केएल तो केएल हमें यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसके बाद हमें एम और एन, तो एम और दिस इज एन, ये मिला। ठीक है, तो हमें क्या नहीं मिला, हमें ई नहीं मिला, एफ नहीं मिला, एच नहीं मिला। तो इट मीन्स कि जो भी हमारा कैंडिडेट की होगा उसमें एटलीस्ट ये होना चाहिए, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस दे आर सो मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे एटलीस्ट, एटमोस्ट, मस्ट, इस तरीके के कंफ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, एंड अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट होता है तो आप जरूर मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो अगर मैं ईएफएच की बात करूँ तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाउ आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि की बात करें तो हमें ये मिनिमम एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि यहाँ पे अगर मैं सी ऑप्शन को देखूँ तो ईएफएच, अगेन ईएफएच भी आपका की है, तो कौन सा यहाँ पे कैंडिडेट की होगा, आइदर द आंसर विल बी बी और सी। अगर आपने आंसर बोला बी तो वाई आंसर बी इज करेक्ट, अगर मैंने बोला सी तो वाई, जस्ट गिव द आंसर इन द एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मलाइजेशन में, अगेन ये कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको अच्छे से आना चाहिए क्लोजर कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन डी को देखूँ, ऑप्शन डी में क्लोजर हम निकालेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो अगर मैं बी डी देखूँ, बी से हम बी को रिट्रीव कर सकते हैं, डी को रिट्रीव कर सकते हैं, ओके। इसके बाद बी और डी से हम किसी को भी रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, मुझे किसी भी और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में 2018 2019 में रिपीटेडली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ओके। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर हम इतने एफर्ट डाल के आपके वीडियोज बना रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। एंड अगेन ये क्वेश्चन था आपका कैंडिडेट की का, तो उसी बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का मुझे आंसर प्रोवाइड करना है। अगर मैं सिंपली चेक करूँ कैंडिडेट की निकालना है तो राइट हैंड साइड को देखो, तो हमें बी मिल रहा है, हमें डी मिल रहा है, ओके, हमें सी मिल रहा है और ए मिल रहा है, सी मिल रहा है और ए मिल रहा है एंड डी मिल रहा है। तो अगेन क्या नहीं मिला, तो ई एच नहीं मिला। तो ई एच के बेसिस पे आप देखो ऑप्शन ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईएच नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है कि जो हम कोर्सेज रन कर रहे हैं उस कोर्सेज में हम आपको सारे ट्रिक्स के साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है, आपको किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व गेट एज वेल एज यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप जरूर उस कोर्सेज में इनरोल करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, इसमें सिंपली आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना था। तो क्या करेंगे, पहले क्लोजर निकालेंगे, क्लोजर निकालिए ए डी ई, ए डी ई इस तरीके से हमने काट दिया, हमें क्या मिला, बी सी। तो बी सी इट मीन्स कि बी सी जरूर आपका कैंडिडेट की का पार्ट होगा, तो बी सी का क्लोजर निकालो, बी सी से हमें सिर्फ बी सी आया। अब आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि मैम बी सी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगेन ये आपके साथ डाउट का क्वेश्चन है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ें, बट ये नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इसका सुपर सेट बनाएंगे, तो व्हाट इज सुपर सेट, व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, तो जो भी आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन में अप्लाई होता है। तो ईच एंड एवरी मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट्स को रिलेट करके समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन लू सुपर सेट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा डी, और सी डी से हमें मिल जाएगा ए ई, इट मीन्स कि सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए। इसी तरीके से सिर्फ एक को करके नहीं छोड़ देना है, आपको बी सी का कॉम्बिनेशन डी के साथ लेना है, इसका कॉम्बिनेशन ई के साथ लेना है। तो अगर इसको हम चेक करेंगे बी सी डी, सी डी से आपका आ जाएगा ए ई, अगेन ये भी आपका की हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें बी सी ई, तो बी सी ई से आपका और कुछ नहीं होगा,
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने कैंडिडेट की आ गए, हमारे पास दो कैंडिडेट की आ गए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी हाउ मेनी कैंडिडेट की आर पॉसिबल, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर हम प्राइम एट्रीब्यूट की बात करें तो जो भी आपका कैंडिडेट की है वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा ई। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा 1NF। वाई NF आएगा तो आप यहाँ पे चेक कर लो इस फंक्शन डिपेंडेंसी में, एबीसी आपका की है यस, ये आपका की नहीं है तो ये आपका किसमें हो जाएगा, ये आपका BCNF नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 3NF की, तो 3NF में अगेन ये सुपर की नहीं है तो ये वाला अगर चेक करेंगे तो ई इज नॉट प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये 3NF में भी नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं 2NF की बात करूँ तो अगर मैंने बोला है दिस इज द की तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या करो, पार्शियल डिपेंडेंसी का केस है तो ये आपका 2NF में भी नहीं होगा। तो हेंस द आंसर विल बी इन 1NF। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। नाउ कहने का ये मतलब है कि आज जो हमने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था, इस एक कॉन्सेप्ट के पीछे, नॉर्मल फॉर्म के पीछे देर आर मेनी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाई वी नॉर्मलाइज डेटा, कीज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज 2019 में रिपीटेडली से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोजर क्या है, कैंडिडेट क्या है, प्राइम नॉन प्राइम क्या है, देन आप समझोगे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, मिनिमल कवर क्या है, एंड लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो एक टॉपिक में ये सारे आपके सब टॉपिक बनते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन डिटेल में अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है तो अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैचेस फ्रॉम 15 जून, जिसके लिए आपको अभी से इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए मैंने अपना कॉन्टेक्ट डिटेल दिया है, आप उस पर मैसेज ड्रॉप करिए या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। एंड दीज आर द पर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इज कि हम हर एक स्टूडेंट को पर्सनली असिस्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हमने एक भीड़ जमा किया, वी हैव द कैप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट से ज्यादा हम किसी को भी नहीं लेंगे। ऑलरेडी हमारे बैच 1 में वी हैव 5 स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस चल रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस कोर्स के लिए जरूर इनरोल करें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अस इन दिस, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैसेज ड्रॉप करिए, एंड व्हाट एवर इज योर सजेशन और फीडबैक यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।